वेलकम बैक नाज़रीन। कल भी आपने लाइट हार्टेड गुफ्तगू देखी, आज भी हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। गुमन साहब हैं, मारिया मेमन साहब हैं, हसन अयूब साहब हैं, अनिका हमारे साथ हैं, मेहर हमारे साथ हैं, वसीम कराची से, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। और मेरी बीवी ने वो यहाँ पे ईद का शो है तो खाना भी साथ साथ चल रहा है। कहते हैं आप दो खवातीन खाना पकाते हैं या आपके घर में भी खामन खाने पकाते हैं? नहीं, मैं नहीं, मैं खाना पका सकती हूँ पर मुझे इतना कोई दिलचस्पी नहीं है तो पकाते नहीं है। वो पकाते हैं? नहीं, वो भी क्यों नहीं पकाते, हम दोनों नहीं पकाते ना, हमें तो कोई खाना खाने का शौक है। बट इज अ गुड होस्ट, उमर इज अ ग्रेट होस्ट। यस, यानी उमर आप उसके घर खाने पे जाएं तो ही बी देयर, वो आपको खुद डाल के चीजें खाना के घर पे सर्व करेंगे। हम एब्सोल्युटली खाना बनाती हूं और मुझे खाना पसंद भी है, मतलब आई लव टू कुक एंड आई लाइक टू कुक डिफरेंट कुजीन्स, लेकिन मजबूरी ना। घर साफ करते होंगे, कपड़े वो घर पे होते नहीं है ज्यादातर, वो बाहर होते हैं, फिर जब आते हैं तो आई मेक स्पेशल थिंग्स। इसमें खुशकिस्मती उनकी है या आपकी? उनकी हो शायद, मेरी तो नहीं है। सुपर नहीं आपका दफ्तर एयर वाई में, एक सुपर निकल आया मैच होता हमारा। हां, एक कोई तो सुपर, एक हसन अयूब ने मुझे बताया ब्रेक में कि ही कुक। हां जी, आप खाना बनाते हैं? बिल्कुल, खाना मतलब हर किस्म का खाना पका लेता हूं, चाइनीज भी हल्का फुल्का, राइस वगैरह। वो खाना ही होता है चाने में अंडा डाल के, किसी रमन ना आप मुझसे कढ़ाई बनवा लें, बिरयानी बनवा लें, बिरयानी बनवा लें, ये चीजें मैं कर लूंगा। लेकिन एक बात और करना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा खाने किसी से खाए हैं तो वो हमारे मरहूम भाई अर्शद शरीफ साहब थे। बेशक, वो चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, चाहे कहीं भी, और जिस तरीके के वो होस्ट थे अर्शद, मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा। और जब आप कभी उनके घर गए, बारिश लगी हुई है तो वो अम्ब्रेला लेकर आपको छोड़ने के लिए आए या रिसीव करने के लिए आए, उन्होंने खुद चीजें उठाई, प्लेट्स दी, खाना दिया, सर्व किया और हमेशा प्यार दिया। हमेशा से मेरा और उनका नजरियाती इख्तलाफ रहा, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह उन्होंने मेरे साथ उन्होंने रखा, प्यार दिया, समझाया, काम सिखाया और चैलेंजेस दिए, बीइंग माय ब्यूरो चीफ के यार हसन तूने जाना है, ये खबर निकाल कर आनी है, ये खबर निकाल कर आनी है। कभी थोड़ा सा गुस्सा भी हुए कि भाई ये चीज़ इस तरह तुम कर सकते हो, तो मतलब द वे ही वॉज, नहीं यू डोंट ब्लेम उसमें दो, लेकिन वो उनके अल्फाज वो मुझे कहते थे कि हमेशा जेब में 5-6 ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज लेके घूम रहा होता है लेकिन फाइल नहीं करता, ये हमेशा मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे। तो अर्शद शरीफ मरहूम के, मैं अपने भाई के बारे में, अर्शद का ये है कि अर्शद मेरा मल्लेदार था दफ्तर में, हम 6-7-8 घंटे तो दिन के हम इकट्ठे गुजारते, बिकॉज एक दीवार थी हमारे, एक शीशे की पार्टीशन थी, सारा दिन तकरीबन एक कभी इधर से उधर घूमते हुए, खाने शाने खाते हुए एवरीडे गुजरता था। बट व्हाट अ फैंटास्टिक गाय मैन, और खाना खाया भी है तब भी, यानी कोई ना कोई चीज, कभी दाने मंगवा लिए, कभी बर्गर्स मंगवा लिए, कभी कुछ स्नैक्स मंगवा लिए, इस तरह की चीजें, समोसे, मतलब चाटे माटे, तो हमेशा खाना चलता ही रहता। अल्लाह उसको जन्नत, और ऐसा वाकई ये दस्तरखान का खुला आदमी, यानी आज के दौर में व्हाट अ लॉस। अब असीम, आपके मैंने जैसा कहा ना, ये आपको मैंने करते हुए देखा तो हमने कहा हम आपके साथ सियासत में ये काम शुरू करते हैं। This is a filling in the blanks. I'll come to everyone with one. So Vaseem, I'll start with you. Dash ke bagair hukumat nahi chal sakti. Unke bagair. Unke bagair. Ye kaun kaun hai? Peoples Party to nahi hai kahin? Nahi. Samaj to sare gaye hain, lekin aap usko Peoples Party bana le. Koi baat nahi. Nahi, Ravi ke bagair hukumat nahi chal sakti. और रावी मैं है भाईजान, चलो मैं कह रहा हूं मैं रावी हूं। गैर सियासी अनासिर के बगैर कोई, अब नवाज शरीफ, सॉरी गुलाम हुसैन साहब, अब मियां नवाज शरीफ डैश करेंगे? मियां नवाज शरीफ मेरा ख्याल है उनको भरिया मेला जो कहते हैं पंजाबी में छोड़ना चाहिए था, एक लफ्ज या एक सेंटेंस फ्रेज में बताना, छोटा है, आराम करन, आराम करन, आराम करेंगे ना जी, हम आराम का टाइम आया। वैसे हालांकि वो मीटिंग शेयर कर रहे हैं वसीम, शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनकर डैश किया, इंतकाम ले लिया किस, बस ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक करना था, समझ भी जिसका पार्टी पे कंट्रोल था हमेशा से और हो रहा था और जानशी जारी थी, उन्होंने जो करना था कर लिया, ले लिया फिर से, कुछ समझ नहीं। अच्छा, वो पार्टी की इंटरनल फाइट की बात हो रही है, उस्मान बुज़दार डैश थे, वसीम अकरम टू नहीं थे, नहीं थे, मरियम नवाज डैश है, डुअर है, नहीं डुअर है, काम कर रही है,
पहले हफ्ते ही पता लग गया नहीं नजर आ पहले दिन लग गया आप देख पहले दिन क्या पहले दिन लग गया जिस दिन साकी प्रोग्राम सानू खड़ा कर देता गया मिनट चौधरी साहब नू खड़े हो जाएं क्योंकि आज के बाद उन्होंने सीएम बनने से चेंज हो जाएगा आज के बाद जो है पंजाब देखिएगा रमजान आने से पहले ही रमजान के ऊपर उन्होंने अपने जो है ना वो होमवर्क इतना होमवर्क किया कि पूरे इस टाइम पंजाब में जाए जो लोग दुआवां दे रहे ना पिंडा धामा से उसने सफाई करवानी सी वो देख पिंड जाके चेक करो चार दिन पांच दिन के अंदर आप चीज जो है वो तेरे से कोई प्लान लगा नहीं है पहले ये बताया तो सर एक एक, एक माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं ना जलते हैं मैं और माइंडसेट में जाऊंगा तो वहां पर साहब और नजरिए के लोग आ जाएंगे सारे लेकिन मेरी बात सुने शेयर कर ला ही काफी है मेरे पास एक और सवाल है ये किसकी बात होगी मेरे पास हसन के लिए एक और सवाल है हसन लोग जलते हैं आपसे इनसिक्योर है या आपको लगता है कि लो आई क्यू है दोनों बातें नहीं है जी तीनों उनकी अपनी राय है मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ मतलब बात यह है कि अब खावर ये सियासतदान बन चुका है ये मेरे बिल्कुल मैं सियासत से तौबा की हुई है मैंने इनको कहा था कहा था कि जो आपकी जो लाइन ऑफ थिंकिंग है अगर आप उससे जलने वाले जवाब दे सकते जनाबे वाला सर काशिफ अब्बासी साहब आपकी ऑन जॉब इतना बड़ा एक्सपीरियंस है आपके ख्याल में किसी के हक में या खिलाफ झूठ बोलना कितना जरूरी है चल साहब की आवाज कम हो गई है झूठ बोलना कितना जरूरी है मुझे हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है चौधरी साहब फिर ना बोलिया करो ना हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह 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 यार वैसे एक सवाल सारों से इससे मेरे ज़हन में आया तो ना बोलूंगा लेकिन मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये कितना जरूरी है ये दोनों एक प्रोग्राम में बैठते कैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही किसी दिन आओगे ना तुम्हें भी बिठाते हैं समझ आ रही है असल मसला ये नहीं प्रोग्राम में बैठते कैसे ये प्रोग्राम में बैठने के बाद इकट्ठे उठते कैसे मसला ये मुझे तो लगता है कि ग्लास मार देना चाहिए शुक्र है चौधरी साहब लाहौर बैठे हुए ना किसी ने एक दूसरे को ग्लास मार देने वर्चुअल ग्लास पहुंचने लग जाए पहले ग्लास उधर ही जाएंगे आजकल की सियासत डैश है बेअसूल मीडिया डैश और हम डैश है आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दैट क्वेश्चन मीडिया डैश और हम डैश क्या मतलब है सवाल ही मीडिया डैश फुल ऑफ द ब्लॉक सर मीडिया डैश और हम डैश हैं मीडिया सिंपल डैश है और हम सुपर डैश है ये आप अपनी बात कर गुमन साहब ने खुद मान लिया है नाजरीन खवातीनों हजरात के वो सुपर डैश बिल्कुल सर इसमें कोई दो राय और अब अपना अपना फिल इन द ब्लैंक लोग खुद कर लें नहीं बिल्कुल वसीम सबके सामने रख दिए मीडिया डैश और हम डैश है सारों के पास यही सवाल लेकर आ रहा हूं याद रखिए मीडिया खबरें पहुंचाने का जरिया है और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लीडर हैं यार वैनी वाह टॉक अबाउट पॉजिटिव स्पिन यार वैसे वसीम की इसीलिए वसीम बदामी है मतलब मैं उसी तरह सो रहा हूँ मेरे को उल्टे पुलटे ही अल्फाज मेरे लिए फिल करने के लिए आ रहे हैं मैंने तो काट दिए इसने अल्फाज जो लिखे जनाब मतलब इसीलिए तो आपने ये ब्लैक कुर्ता पहना मैं उधर चमकती हुई देखे ना शेरवानी है फर्क तो मीडिया का मतलब सिर्फ एयर वाई नहीं है मीडिया के मतलब बड़े ब्लैक मिरर भी बीच में आते हैं वो भी देख ले मैंने देख ले कि किस किस किस्म की नेगेटिविटी भी फैलाता है मीडिया हां वेल डन मीडिया लाइफस्टाइल एंड वी आर लिविंग इट आजाद और हम मादर पितर आजाद मीडिया आजाद है थे मीडिया आजाद था हम मादर पितर आजाद थे ये थे कर ले खैर ये दिस इज नॉट अ फिल इन द ब्लैंक क्या मीडिया आजाद है नहीं एनीवन डिसएग्री मुकम्मल नहीं नॉट एट ऑल टू सम एक्सटेंड यस नहीं स्पेस ज्यादा थी स्पेस श्रिंक हुई है लेकिन बढ़ती कम होती थोड़ी कम होती थोड़ी ज्यादा है लेकिन 2008 से लेके आज तक कंसिडरेबली जो सबसे ज्यादा श्रिंक हुई है स्पेस हम उस दौर से गुजर रहे हैं आई थिंक लेट्स एडमिट इट लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि मीडिया जिस तरह पहले ब्लास्ट होते थे इस तरह के टेररिज्म होता था तो हम में मैच्योरिटी नहीं थी सीरियस जगह ले जाता है अब मीडिया बड़ा पाकिस्तान का नीचे भी आ जाएगा मेरा भाई मीडिया बड़ा मैच्योर हो गया हसन जो है ना आजकल के मैच्योर मीडिया का एक चमकता चमकता दमकता सितारा है चौधरी साहब ट्विटर डैश है नहीं तो ये कोई बंद करना कोई कौन सा यानी मतलब बंद है आपको क्यों ट्विटर बंद है जवाब दे दिया उन्होंने ठीक है बिल्कुल बंद है फाइनली आई हैव अ वन लाइन आंसर अच्छा जी अगर सियासत पर फिल्म बनाई जाए उसका नाम क्या होगा जिसके जहन में पहला आता है
क्विकली टेल मी बिकॉज आई नो कुछ लोग सोचने में टाइम लेंगे. वसीम क्विकली आप सबसे ज्यादा इसमें बर्जस्ता कोई बर्जस्ता ही होता ना जी बर्जस्ता खतरों के खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी. अच्छा खबरों के खिलाड़ी भी कर सकते हैं इसको. आजकल सियासत करना खतरों के खिलाड़ियों का काम है. एनीवन एल्स सियासत पर अगर फिल्म बने तो उसका नाम क्या होगा? घन चक्कर नमक हराम. नहीं अब देखे ना घन चक्कर घन चक्कर पैसे वसूल कभी गम लग दूं पैसे वसूल. इस फिल्म का हीरो कौन होगा? सियासत पर फिल्म बन रही है जरदारी साहब फिलहाल इमरान खान. आसिफ अली जरदारी. आसिफ जरदारी इस फिल्म के हीरो होंगे अवाम और एंड में वो जीतेंगे. मरियम नवाज चले फिल्म ही हो सकता वैसे 17 साल इसे नहीं जीते फिल्म में किए ना तो फिल्म में भी ना ख्याल चलो यार किसी जगह तो वहां बेचारों को जिता दें. सो इसके चौरी साहब इस फिल्म का हीरो कौन होगा? साहब हीरो जो है ना वो तो पीपल ऑफ पाकिस्तान है जैसे राइटली कहा गया. लेकिन आपको एक शो सीरियसली करना है दो करने तीन करने कितने भी करने कि 8 फरवरी में जो पाकिस्तान के लोगों ने आप सबके अंदाजे यानी आपसे मुराद आप लोग नहीं यानी जो अंदाजे और आपके प्लान और जो मंसूबे थे उनको जो खाक में मलिया मेट कर दिया है उसका मातम किस दिन आपने करना है? दसो. हेलो जी दसो क्या कहूँ क्या मातम करना है. गवर्नमेंट बन गई है देखिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की मरकज जैसे ही ठीक आगे चलते हिंदुस्तान में भी उनकी हुकूमत है. सियासत की फिल्म के अंदर हुकूमत बन रही है तो उसके ऊपर जनाब दबाव डाल दिए तो डाले इस फिल्म का जो सियासत पर फिल्म बनेगी इस फिल्म का नाम मेरे ख्याल में होना चाहिए फॉर्म 47. ये तो फिर इस इलेक्शन तक रह जाएगी. देखिए ये तो सियासत पे कर रहे हैं ना एक एक्सटेंडेड पॉलिटिक्स. एग्जैक्टली देखें इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो एक ही चीज के इर्द-गिर्द घूम रही है दैट इज द फॉर्म 47. बट ये तो फिर आप कह रहे हैं कि ये फिल्म अभी चलेगी और 6 महीने बाद बंद हो जाएगी 5 साल बाद बंद हो जाएगी. तो फिल्म तो जाहिर है अभी मौजूदा हालात को सामने रखा हम एक क्लासिक बना रहे हैं. इसका विलन आपने रेलेवेंट रखना है आजकल की मूवियों पे. इस फिल्म का नाम होना चाहिए एनिमल. देखिए आपने बंदूक कर लेगा इंडिया गोलियां इन्हें सालों जिंदा नहीं रहने देना. विलन कौन होगा इसका? पॉलिटिकल एनिमल्स. कल तक एक साइड का जो हीरो था आज उनका वही किरदार उनका विलन है यार. और कल तक एक साइड का जो विलन था वही उनका हीरो है. सच बात है नहीं. जिसने इलेक्शन कराना था जिसकी जिम्मेदारी थी द बक हैड टू स्टॉप समवेयर. और आज अगर इलेक्शन के ऊपर हम आज भी सवाल कर रहे हैं और आज भी बैनुल अक्वामी कम्युनिटी इसके ऊपर बातें कर रही है आज भी जो बाइडन खत लिख के मुबारकबाद नहीं दे रहा तो उसी को तमगा देना जिसने कराना था. बात ये है कि नहीं बात कोई नहीं आगे चले नेक्स्ट सवाल. जो इश्यूज डिसाइड होने हैं वो फोरम जो है वो ये नहीं है ना इस शो में तो डिसाइड नहीं होना कि धांधली हुई या नहीं हुई. हर केस हर हल्के की अपनी हसन लाइट हार्टेड शो है इट्स ओके चले जान दे हो नहीं बिल्कुल. बात ये है कि जी वहां पर अब इसी व्यू की वजह से आप लोग इससे जलते हैं. अब जो ट्रिब्यूनल्स हैं वही फोरम है वहीं पर डिसाइड करें जिसके साथ ज्यादती अगर हुई है नहीं होनी चाहिए. अब देखिए तैमूर झगड़ा के बारे में बताया जा रहा है कि उनको हरवाया गया है. वो एक नहीं है. तैमूर झगड़ा के बारे में बताया जाता है कि उनको हरवाया गया लेकिन हरवाया किसने इधर से लेकर वो लाहौर तक लाइन लगी मालूम नहीं. आज आपने देखा वो पिलराज की पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट थी तो वो राजा के बारे में गया वहां से जेल से और वो भाग के आ गया. चौधरी साहब से एक स्पेशल सवाल आया जी मुझे कहते चौधरी साहब आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी वैसे लोग जानना चाहते हैं आपके टेस्ट के बारे में कि आपका टेस्ट कैसा है? ये मेरा नहीं मैं जवाब दे सकता. सर बहुत सारी हैं इसलिए आपको ये होता है शरीफ आदमी जय साहब ये होता है शरीफ आदमी नहीं जय साहब मेरी मान लो प्यार मोहब्बत दस्त वो जरूरी है ईद का शो है ना दस्त देखो गुमन को बड़ी जोर से आ रहा है कि वो बता देना आप बताएंगे तो उसकी बारी आएगी. नहीं बता रहे मुझे पता है वसीम बताएगा वसीम इसके बारे में जय साहब बताने जा रहे हैं जय साहब बताने जा रहे हैं जी जय साहब किसका बताना है मुझे हीरोइन फेवरेट हीरोइन हीरोइन आतवाड़ी फेवरेट हीरोइन कौन है? आई हैव सेड नो कमेंट्स. कोई एक हो तो बताए ना बदामी से पूछे वसीम लोकल इंडस्ट्री चाहिए मुझे चौधरी साहब लिटरली शर्मा रहे उनकी मुस्कुराहट देखे ना जरा चौधरी साहब ये क्या माज रहा है? वो कह रहे मैं एक का नाम लूंगा बाकी माइंड कर जाएगा कहते मैं नहीं दस रहा. हाँ वसीम हाँ ये बात है अरे हाँ ये बात है वसीम जब चौधरी साहब मार्जिन दिया तो मुझे ही मार्जिन देते मैं थोड़ा सा
ये बेटा आपके लिए कोई मार्जिन नहीं। अगर आप ये कहें कि मेरी वजह भी वही है जो चौधरी साहब की वजह है, तो फिर आपको मार्जिन दिया जा सकता। मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे से कोई मूवी नहीं देखी, इसलिए मैं क्या कहूँ उनको। बहुत भैया मैंने हीरोइन देखी, हीरोइन तो देखी है ना, रोज हीरोइन देख रहे, हीरोइन की बात रोज इंटरव्यू करते हो, हर लम्हा पुरजोश में रोज एक हीरोइन आती है। मेरा 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 ख्याल है सबा कमर बहुत अच्छी हीरोइन है भाई साहब। I love Saba Qamar, I love Sajal Ali, I love वो नीलम, so many fantastic. भाई यही नाम लेना यार। Fantastic है ये सारी, like इतना talent है। चोरी घुमन साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी घुमन साहब आपकी बारी है। ऊपर वाली घुमन साहब है। कुछ कहना चाह रहे सर, वो आप इकट्ठे होकर फिर चोरी चोरी लगे। जब उनका आनिया, you have no idea मैं जिनके नाम ले रही हूँ, right? I have an idea के बारे में। ये तो आइडिया क्या पता उनको गुड ओल्ड डेज कॉलेज के टाइम के अंदर मुझे अभी याद है। यू लुक लाइक द जूही चावला सॉर्ट। ऑफ कोर्स आई एम, मुझे याद है कि मैं मारिया क्यों हंस दी उससे पूछ रहा जूही चावला सॉर्ट, जूही चावला सॉर्ट है। अच्छा ओके ओके ओके, वसीम वसीम की क्या सॉर्ट है पहले मुझे वसीम की सॉर्ट बताएं। अगर आई कैन गिव एवरीबॉडी सॉर्ट्स वसीम, गोमन साहब ने कहा मेरी फेवरेट हीरोइन है जूही चावला, आगे से मेहर का कमेंट आया कि ही इज द जूही चावला सॉर्ट sort of person, ये वही है, you know, वो मैं बाद में पूछूंगा। female next door type definition of that sort, अरे the girl next door type, relax हो जाना, tension में आगे काम कर सकते हैं, tension में आगे भी चलो। सोनिया सोनिया don't worry, नहीं अब choice नहीं है, relax। तो वसीम बदामी की क्या sort है बताइए जी? मैं वसीम बदामी would be like करीना कपूर sort। अच्छा a little bit of naughtiness has to be there. Market aap kahi and Chaudhry saab karke Chaudhry saab is Chaudhry saab is Dimple Kapadia. Oh. The now Dimple Kapadia. Yeah. You are Madhuri Dixit. You know. That's the smile. एक और भी था. Dimple Kapadia वही है हम तो एक कमरे में बंद. And हाँ. And I think Navi is Tabu. Sort. चले सही है जी. And what is the hero sort? Ranveer Singh. Pinch की ये बात. जूही चावला सॉरी तो हीरो भी लगेगा। मार्क प्रेची को देखो, हाय देखे इंडियन एक्टर, इंडियन एक्टर्स वेरी गुड, वो एक पूरी नवाजुद्दीन के साथ बड़ी अच्छी मूवी है। अच्छा वेरी गुड। सो एनीवेज एक ब्रेक ले ले और उसके बाद मुझे जरा सियासी फोरकास्टिंग थोड़ी सी कर दें, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, अगले ईद के बाद का मंजरनामा क्या होगा। ब्रेक ले देना, छुट्टी भी नहीं एंजॉय करने देंगे। ब्रेक वेलकम बैक नाजीन, ईद के बाद का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, हम साफी हैं ये सारा दिन करते हैं तो हम इसके बगैर तो प्रोग्राम खत्म नहीं कर सकते। मगर इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, मारिया मेमन और मैं मैंने एक कंक्लूजन पे आए हैं हम वक्फे के दौरान, ये शो सिर्फ मर्द हजरात की इस चैनल में, ये चैनल शो नहीं चैनल, ये चैनल इस चैनल के मर्द हजरात की ब्यूटी और हम खवातीन की ब्रेन्स पे चल रहा है बस। शुक्रिया तौबा और शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी। आई मैं पर्सनालिटी भी डोंट कंटेस्ट दिस, आपका करिश्मा है इसके अंदर एक बड़ा अहम एलिमेंट। अच्छा मैं पहले सोचा उन्होंने खूबसूरत कहता था। ईद के बाद क्या होने जा रहा है, सबसे पहले चौरी साहब क्विक जरा मुझे जवाब देना कि क्या कोई कैंपेन चलेगी तरीके इंसाफ की, हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगे? नहीं, उनकी चल रही है और वो हुकूमत जो चल नहीं सकेगी, हुकूमत नहीं चल पाएगी। कितना अरसा देंगे हुकूमत को चौधरी साहब? बस इट इज मैटर ऑफ टाइम ओनली, वीक्स एंड मंथ्स। मतलब ऐसा नहीं कि 700-800 महीने चल जाए हुकूमत, वो यार कैसे होता तो कोई चक्कर नहीं ना। नहीं तुम्हारी ख्वाहिश हो सकती है सर, 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 तो सीधे कहना है मेरी गल सुनो आप, असि ख्वाहिश देते मेरा ये व्यू है कि इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे ना तब हुकूमत का चलना मुश्किल होगा। ईद के बाद दमा दम मस्कल अंदर होना है, एक साइड से महमूद खान अचकजई ने सड़कों पर होना है, उधर से मौलाना फजलुर रहमान ने होना है, इधर से पीटीआई मुतहरक होगी, पोलिटिकल टेम्परेचर नीचे आते नहीं दिख रहा। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल टेम्परेचर हुकूमत साथ लेकर जाएगा? मुझे फिलहाल नहीं लगता हुकूमत को हुकूमत के अंदर के लोग साथ लेके जाएंगे, हुकूमत
के अंदर जो लोग वो जो अंदर जो इत्तेहादी है वो जो अंदर लोग है ना वो बैठे नहीं बिठाए गए हैं वो बैठे रहेंगे जो इत्तेहादी है ना अगर वो साइड पे होंगे तो हुकूमत जाएगी अदरवाइज ये एहतजाज नहीं लेकर जाएगा। देखिए वो साइड पर लास्ट टाइम भी एक वजह से हुए थे जब इमरान खान से अलहदा हो गए। नहीं अभी इत्तेहादियों की तो जरूरत ही ऐसा इसको नहीं है पीपल्स पार्टी नून लीग दैट्स इट देयर इज नो पीपल्स पार्टी नून लीग इत्तेहादी है लेकिन एहतजाज से हुकूमत नहीं जाएगी आई डोंट थिंक एहतजाज से जाती है। जो मेरी असेसमेंट मैं जो देख रहा हूँ पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर नसनावला साहब हों जवेद लतीफ साहब हों अच्छा वो जिस तरह के वो बयानियाँ अपनाना शुरू हो गए ना उनको खुद ये नज़र आ रहा है कि ये काम ये दुकान नहीं चल रही तो वो मुझे मैं आपको एक शक बताऊँ अपना मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून ग्रुप बोल रहा है एग्जैक्टली सो ये दुकान चलने का मसला नहीं ये एक सर्टन दुकान मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मियाँ साहब जो बड़े मियाँ साहब हमारे ताजात कायद वो ये उनका जो करीबी ग्रुप है जो उनकी बातचीत हो रही है लोगों के साथ वो यही है कि सर जी काफ लीग बन जाए मतलब अब तो चलो जो कुछ है करा कुछ हो ही गया ना फॉर्म 47 करा के उन्होंने कहा कि आइंदा जो ही इलेक्शन आएगा तो बहुत मार पड़ेगी सो कुछ ना कुछ इनको करना पड़ेगा। मैं ये हुकूमत बिल्कुल चौधरी साहब के साथ हूँ ये कुछ 6-8 महीने से ज्यादा चलते देख रहे हैं। ये जो अभी हमने देखा इससे पहले जो स्कैंडल सामने आया है जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट को जिसने रॉक करके रख दिया मुझे लगता है कि कदम जमने नहीं दिए जा रहे और फाइव बाय डिजाइन भी है और उसमें कुछ देखिए कुछ पहले से कोई आग होती है तो धुआं होता है ये पहले से ग्रीवेंसेस हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको अब मजीद हवा भी दी जा रही है क्योंकि वो जो प्रेशर है ना वो एक हद तक कर सकते हैं ना उसके बाद वो फटना ही होता है सारा लावा फट रहा है लेकिन फायर फाइटिंग मोड में रहेगी गवर्नमेंट अगले सवा साल डेढ़ साल क्योंकि अहम फैसले होने हैं इसके दौरान और ये जब तक फायर फाइटिंग होती रहेगी इकोनॉमी के ऊपर भी इसके असरात आएंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भी असरात आएंगे। शहबाज साहब अगर मैं हूं तो मैं तो बड़ी परेशान हूं कि मेरी हुकूमत के 6 हफ्तों के अंदर ही इतने बड़े स्कैंडल आना शुरू हो गए हैं और जिसमें अब अगले देखिए ना उनके आसान नहीं है आज अदालत के अंदर हम जब देखते हैं तो हुकूमत की जो है वहां पे हवा निकली हुई होती है। सो आई वुड बी वेरी वरीड कि अभी तो गवर्नमेंट हमने कबीना अभी तो हमने फाइनलाइज किया है और अभी से ये डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स कहां से आ रहे हैं तो मुझे ये फायर फाइटिंग नजर आती है अगले डेढ़ दो साल चलती नजर आ रही। देखिए हुकूमतें तो जाते जाते 2022 के बाद भी 2 साल हो जाते हैं 2 साल डेढ़ 2 साल कुछ नहीं होते हुकूमतों की 5 साल मुकम्मल करेगी गवर्नमेंट नहीं करेगी असेंबली 5 साल मुकम्मल करेगी कुछ तब्दीली होगी असेंबली के अंदर से ही होगी। शहबाज साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर 5 साल मुकम्मल करेंगे बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन इन्हीं असेंबलियों के अंदर से नया वजीर आजम आएगा। अगर इमरान खान बाहर है शहबाज शरीफ को आपने बाहर निकाल दिया बिलावल वजीर आजम आए वुड बी वेरी सरप्राइज इफ दैट्स द केस बट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है किसी वक्त भी हो सकता है तो इमरान खान साहब का बाहर आना बहुत जरूरी है फॉर दैट पोर्टेंट किस्म की एक कैंपेन चले जिसमें लोग सड़कों पे होंगे क्योंकि वो कॉल इस वक्त किसके पीछे जाए। देखिए एक लीडरलेस क्राउड है मान ने जो कॉल दी हुई है आप मौलाना को इग्नोर नहीं कर सकते बहुत बड़ी जो उनकी फोर्स है वो पीटीए उसका 1/4 भी नहीं है। अगर मौलाना अपनी सचियों पर आ जाए तो आपका क्या ख्याल है आप टाइप्स की बात कर आपका वो बात है जो लड़ सकते हैं जो खड़े हो सकते हैं लेकिन जलसा मुझे आपसे जलसा इमरान खान से बड़ा मुश्किल है। आप देखिए कि मौलाना जब स्ट्रीट पावर होता क्या है जी हुकूमत किस तरह जाती है जलसे से जाती है नहीं एजुटेशन से उससे भी नहीं उसमें नहीं कहा जाता लेकिन 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 ये सड़कों पे फैसले नहीं ये हुकूमत शायद पिछली हुकूमत से ज्यादा प्रेकेरियस पोजीशन में है ये फैसले सड़कों पे नहीं होते ना होंगे लेकिन ऐसे होने चाहिए नहीं सड़कों पर ये फैसले होने चाहिए मेरी जाती रही है तो अगर देखा जाए तो अभी तक ऐसे हालात है नहीं तो बजायर आज के दिन में जैसा चौधरी साहब ने कहा तो मैं आज चौधरी साहब की बात से एग्री करूंगा हफ्तों और महीनों की बात है लेकिन हफ्ते हैं 260 और महीने हैं 60 तो अब ये बात मैं चौधरी साहब से एग्री करता हूं टोटल 10 साल हाँ 10 साल दे दे 260 हफ्ते हो गए ना 5 साल ना 52 वीक्स होते हैं साल में तो मल्टीप्लाई करने से 5 के साथ 260 इतना 12 महीने हैं तो अगर मल्टीप्लाई में 5 कर दें तो वो 60 आ जाएगा 5 साल पूरे चलते देख रहा 5 साल देखिए प्राइम मिनिस्टर जी करेंगे ना रहेंगे गवर्नमेंट यही रहेगी और ताड़ियां सादियां पहले भी गलत पूरियां हुई हैं तो साहब मैं तजिया कर रहा हूं सर तजिया गलत भी होते हैं ठीक होते हैं ठीक भी होते हैं काउंटर लगा लें एक काउंटर बना लें काकबा बासी साहब सर आप मुझे आप जवाब दे दें अगर अलाउ करें तो 8 फरवरी के बाद इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने या मरियम नवाज ने कौन सा ऐसा कारनामा किया है कि लोग जिधर वो भागे जा रहे थे पीटीआई के पीछे वो उधर से वापस आके इनके नारे लगाने शुरू कर दें। गिव मी वन गुड रीजन
मैं माफी चाहना सर अगर मेरी तरफ को गुस्ताखी हुई है तो मैं वो पीटीआई के पीछे पीछे भाग जा रहे थे, पीटीआई से भागे भागे लोग जा रहे थे, इतने छोड़ के पार्ट बोला जाता है. I am very sorry. एक बंदा can tolerate. एक बंदा जो सच्ची है ना सर, मेरा अपना एक बंदा जिसने पीटीआई छोड़ी है वो उसके पीछे भी चौबीस साहब आएंगे, क्योंकि चौबीस साहब ने किसी वजह से उसको पीटीआई में दाखिल किया था लाहौर में वसीम नाम की. बाकी कोई कोई बंदा जो है ना पीटीआई नहीं छोड़ी, पीआई लाहौर से एनपीएस साहब भी चौधरी साहब. हां चौधरी तुसी एनिया गल्ला कर, एक ताडा काम कीता था, बड़े अफसोस की गल है. तो बाकी जो एक एमएनए इलेक्ट होके मुस्लिम लीग नून में चला गया, ये लिख लें, ये जहन नशीन कर लें, उनको तरीके इंसाफ में जमा करवाने वाले चौधरी गुलाम. देखें पंजाब की वो बंदा जो था वो वसीम कादर 7 साल से हमजा शबाल से काम कर रहा था. एक दिन हमजा शबाल ने उस पर बोतल मार दी और उसने आगे से बोतल उसको मार दी वापस. उस सूरत हाल में ही केम अक्रॉस मी, तो मैंने उधर जमा करा दिया. अब उसके बाद क्या किया, हर बंदा अपने फेल का जिम्मेदार है. अच्छा जी चले वो बात. मैं जरा सिर्फ अपना 2 सेंट्स भी दे दूं इसके ऊपर. मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का बाहर सड़क पर, जब मैंने पहले भी कहा मौलाना साहब क्या मैनेज हो पाएंगे, एक एलिमेंट मौजूद रहता है बलोचिस्तान को तो शट आउट कर दिया जाता ना मेन स्ट्रीम से. सो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा. फ्यूचर प्रेडिक्शन तो बड़ी मुश्किल है करनी, लेकिन क्या इमरान खान साहब कब बाहर निकलते नजर आ रहे हैं? दूर नजदीक नहीं है काम. पॉपुलर लीडर जी इवेंचुअली जेल से बाहर आ ही जाते हैं या उनको हाथ पैर जोड़ के कहा जाता है अब बाहर आए, कहीं बाहर चले जाएं? अब सिर्फ तय ही होना है कि कब वो बाहर आएंगे. तैयार भी होना आगे से, तैयार हो बाहर तो आना है ना. मतलब इस मुल्क की हिस्ट्री उठा के देख लें, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के अलावा बाकी सारी पॉपुलर लीडरशिप आती है, जेलों में जाती है, मुल्क से बाहर जाती है, वापस आते हैं, कम बैक करते हैं, तो उन्होंने भी तो बाहर आना है ना. ये जिस तरह देखिए पंजाब और बाकी तरह की सियासत का थोड़ा सा फर्क है. अगर जो कुछ तहरीके इंसाफ ने जिस तरह एजिटेशन की मूवमेंट की है पाकिस्तान की और छोटे सूबों की जमातें नहीं कर पाई, तो उनके पास ये लेवरेज भी था. हैविंग सेड दैट, देखिए ना अब इतने केसेस में जो उनको जमानतें मिल रही हैं, जितनी तेजी से ये केसेस के फैसले आए थे उससे ज्यादा तेजी से जमानतें मिल रही हैं तुम्हारे सामने हो रहा है ना सारा. मुश्किल किधर होगी आपको? ये टेक्निकली बात यही है, आपने देखा है कि एक की जमानत मिल गई है, दूसरे के अंदर भी केस जो रोज की अगर आप हेयरिंग देखें साइफर की वो कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है. इट्स फॉलिंग फ्लैट ऑन इट्स फेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में. सिर्फ निकाह का इद्दत केस है पीछे, एक इद्दत में निकाह केस, सॉरी देखिए ये और, एक बार है केस थोड़ी है. हाँ वही मैं कह रही हूँ, वो भी कमज़ोर है असल. अगर एक सेकेंड लॉन्ग टर्म रहने का अगर हो मसला और अगर रखना फैसला कर लिया जाए कि अंदर ही रखना है पाबंद सलासल लॉन्ग टर्म रखना है, वो सिर्फ अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्राई होंगे 9 मई के केसेस के अंदर. दैट्स द ओनली बिग डेंजर, बड़ा खतरा जो है उनके लिए. बाकी ये सब केसेस फ्लूजी हैं, इनको जिस तरह कंडक्ट किया गया है, जिस तरह कन्विक्शंस आई हैं, जिस तरह प्रोसेस को और सो जल्दी आ जाएंगे. दूसरे नहीं कह सकते, ऑल डिपेंड्स, अगर अंदर रखना मकसूद है तो 9 मई के अंदर मिलिट्री कोर्ट के अंदर यू आर सीइंग द लॉन्गेस्ट सेंटेंस. देख लिया क्या करवाना, कैलकुलेशन क्या, अगर वो इलेक्शन करवाना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिक्स आउटसाइड. बाहर आ गए तो एप्पल कार्ट डिस्टर्ब हो जाएगी, हुकूमत गिर जाएगी, बाहर की सियासत का भी असर होगा. काफी सीरियस है, अंदर कितनी देर रहेंगे अगर साइफर वाले ये लोग सारे बाहर क्या खिचड़ी पकाते हैं, बात लंबी हो जाएगी. अब साइफर केस जो है ना अगर देखा जाए, अगर वो मेरिट्स ऑफ सर बात सुनिए, अगर वो होता है तो रीट्रायल भी हो सकता है. सारे सारा जो एक प्लान था, एक ब्लू प्रिंट जो बना हुआ था, कितने अरसे अंदर रखकर सारा. देखिए नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो गए, सेनेट के इलेक्शन हो गए, सारी पोजीशंस फेल हो गई, दो एक ऑब्जेक्टिव था अपेरेंटली वो सारा हासिल हो गया. तो अब खान साहब को अंदर रखना बड़ा मुश्किल है मेरी नजर में. तो सर मुझे लग रहा है अगले 2-4 महीने के अंदर बी आउट. इस कोई वो डिसएग्री कर रहे हैं, वो डिसएग्री कर रहे हैं. 5-6 months 5-6 महीने 2-1-2 महीने 2-4 महीने एक सेकंड. एक और बात, जब तक ये अपने पांव पे खड़ी नहीं हो जाती हुकूमत, आईएमएफ प्रोग्राम इन प्लेस नहीं आता, आपकी आईएमएफ के बाद तो और ज्यादा मेरी बात नहीं, मगर स्टेबिलिटी का भी मसला है इस मुल्क के अंदर. यू नीड टू बी फाइनेंशियली इन अ बेटर प्लेस देन यू आर राइट नाउ. तब तक दे कैन नॉट अफोर्ड इमरान खान आउटसाइड. चौरी साहब इधर 3-2 3 कहते हैं कि बाहर नहीं आता, 2 कहते हैं बाहर आता हूं, तुसी दसो. इट इज मैटर ऑफ टाइम. वो तो अभी अंदर भी इनके लिए इससे बड़ी थ्रेट है जितनी ये आप समझते हैं बाहर आके करेगा. वो इनको ये फ्लैट ये मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुके हैं पाकिस्तान के लोगों के हाथों में.
लेट देम डू एंड ट्राई एनीथिंग. और आपने खुद देख लिया है कि अवाम ने इनके अभी एक अभी हट गए एक साहब, उनके पास ये गए तो जी वो ऐसा करना है वैसा करना है, उनका वो आप वहाँ कुर्सी में बैठे थे तो कह रहे थे ये जो बानी चेयरमैन है इसका तो नामो निशान बैठ जाएगा, उनका अब उसके अलावा किसी का नामो निशान रह गया? नहीं जी मैंने तो नहीं कहा था. उनका नहीं आप वहाँ बैठे थे और आपसे बड़े वहाँ बैठे थे और आपने ये बात की थी, तो आप छोड़ दें, अब हकायक कबूल कर लें अवाम के फतह का जो उन्होंने अवाम ने आपके साथ कर दिया हुआ है ना, उसको कबूल करें. अगर नहीं करेंगे इतना बड़ा गदर बचेगा मुल्क के मुल्क में अंदर, आप तहमल नहीं कर सकते. ना नामो निशान किसी का मिट सकता है, टाइड्स चेंज होती हैं, कभी किसी की बारी आती है कभी किसी की बारी आती है, तो काटा नहीं कर रही है. हरफे आकर की बात तो हम भी नहीं कर रहे, लेकिन अभी मामला थोड़ा दूर है, अंदर खतरा है. अंदर चौबीस साहब मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा खतरा है जितना इमरान खान बड़ा खतरा बाहर आके होगा, क्योंकि इमरान खान ने कॉल देनी, मुझे तो लगता है वो जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि जो वोटिंग पैटर्न्स बता रहे हैं उनकी मकबूलियत का ग्राफ जो बता रहा है उसी वक्त वो जाहिर है, उन्होंने अगर कॉल दे दी कि बाहर निकल आओ तो फिर एक बड़ा साइजेबल चंक लोगों का बाहर आ जाएगा. इस वजह से मेरा ख्याल है कैलकुलेशन की जाएगी कि करना क्या है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल मैटर को डील करके बाहर आना होता तो पहले आ चुके होते, अभी तक आ चुके होते, अभी तक तो लग रहा है कि डील नहीं हो रही है, मिल भी नहीं रही ना, मुमकिन है ना मिल रही हो, मुमकिन है देना जो मान को ले भी ना, आप एक ये भी मुमकिन है ना, आप उनके पास एक लॉन्चिंग पैड है, एक लॉन्च, लेकिन सर उनकी गैर मौजूदगी में वो पैड आप देखे पार्टी अंदर में लड़ाई शुरू हो गई, एक बंदा कोई बात करता है दूसरा कोई बात करता है, अभी एक ने जलसा अनाउंस कर दिया था इस्लामाबाद में, दूसरा कहता नहीं जी अब जलसा नहीं होगा, ताक राते का पहले नहीं पता था 27वीं का रोजा, एक कहता कि चीफ जस्टिस इस्तीफा दे, दूसरे आके कहते नहीं सर ये हमारी डिमांड नहीं, ये जो इंटर ये जो लीडरलेस पार्टी है ना, वो कहते ना द माइस इज अवे द कायट इज अवे द माइस शैल प्ले, आपस में लड़ाइयां लड़ रहे हैं इस टाइम. इस वजह से मेरा ख्याल है तरीके इंसाफ आने वाले दिनों में कोई बड़ा खतरा नहीं है. ब्रेक लेते नाजिम, ब्रेक के बाद वापस आते. वेलकम बैक नाजिम, लास्ट क्लोजिंग आर्गुमेंट्स. नहीं नहीं आपका जरा थोड़ा इसको करेक्शन कर ले, फिर आप दोबारा भी तो आपने शो करना है ना इस तरह. सर कटवा दे हां, तुसी हुकम करो. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए मैं अपना तजिया ये दे रहा हूं कि ये हर बंदे का अपना एनालिसिस है, इस वक्त किसी के अंदर क्राउड पुल की ताकत नहीं है जो पार्टी के अंदर अब लोग मौजूद है. सेकंड टियर लीडरशिप सारी फारिग कर मोहतरम, बट द डे इमरान खान कम्स आउट दैट्स द डे, उस दिन सब उलट पुलट हो जाएगा. जी अभी तो इसके यानी इलेक्शन के हवाले से इतने बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आने वाले हैं कि ये यानी रोना ही इनका बंद नहीं होगा कि किया क्या है इन्होंने इस मुल्क के साथ और कौम जो है इसके साथ इतना बड़ा खेल खेला गया है, तो ये आपको बड़ी हैवी प्राइस देनी पड़ेगी. बेहतर है कि असम्बली के अंदर से नई गवर्नमेंट बना ले और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है. गवर्नमेंट हुकूमत असेंबली के अंदर से कैसे बना लें चौधरी? लेकिन सर तरीके इंसाफ के अलावा कोई भी गवर्नमेंट तरीके इंसाफ को तो काबिले कबूल होगी नहीं, और तरीके इंसाफ पहले कहेगी हमारी सीटें वापस करेगी. बहुत बड़ा एक मैस है जिसके अंदर. तो आपको किसने कहा कि मैंने कहा पीटीआई के बगैर बनेगी और इमरान खान के बगैर बनेगी, इमरान खान उसका हिस्सा होंगे? नहीं इमरान खान तो तब जब तक वो असेंबली में नहीं आते तो वो नहीं उनका नॉमिनेट जी जो भी होगा, उमर अयूब हो या गौहर खान हो या कोई और हो या बिलावल भुट्टो हो, आप कई चीजों को अभी आपने फार ग्रांटेड ले लिया हुआ है. देखें इसका फायदा क्या होगा उनको, उनका तो पॉलिटिकल कैपिटल गेन हो रहा है एवरी डे दैट ही इज इन जेल एंड देयर इन ऑपोजिशन. अंदर हुकूमत पे बैठ के विदाउट द लीडरशिप ऑफ इमरान खान ये तो पूरा घाटे का सौदा है. एग्रीड. प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं, ये बात ठीक है. देखें अगर कोई ऐसे इवेंट्स हो, कोई बोल पड़े सुप्रीम कोर्ट कोई इस तरह की चीज हो जाए उसका मैं नहीं कहता, मैं तो एजिटेशन की बात कर रहा था कि एक फोर्सफुल एजिटेशन कम से कम मुझे नजर नहीं आ रही. एजिटेशन ना हो तो बेहतर है सर, वो तो अगर उसके बगैर फिर चोरी में आके तो कोई पाता था. लेकिन आपने गुफ्तगू सुनी, आपने लाइट हार्टेड गुफ्तगू भी सुनी, सियासत की गुफ्तगू भी सुनी, जाहिर है अब बिजनेस एज यूजुअल, पॉलिटिकल बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगा इस वीकेंड के बाद. बहुत सब लोग जैसे हमने आखिर में बात की थी ये सोच रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल जरूर होगी. टर्मोइल से मुराद बहुत पीटीआई है, बलोचिस्तान, मौलाना फजल रहमान, खैबर पख्तूनख्वा से दूसरी पार्टियां भी हैं. सो क्या होगा कैसे होगा उस पर नज़र रखेंगे और ये टीम आपके सामने लेकर आए थे इलेक्शन की. और आई होप यू एंजॉयड द शोज. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.